صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. السلام عليكم, this is Laudinata vlog. Welcome to my another vlog. आपको हमारे न्यू व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं. जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से मालूम हो गया होगा कि अभी हम लोग फिजान दीना जोहो टाउन में हैं और यहाँ से अभी सफ़र है फिजान दीना G11 इस्लामाबाद की तरफ. तो अभी यहाँ से निकलेंगे, टाइम हो रहा है तकरीबन 10:45 का. तो यहाँ से अभी डेवो अड्डे पर जाएँगे या फिर किसी और बस को पकड़ेंगे, फिर आगे निकलेंगे हम इस्लामाबाद के लिए. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अड्डे पे पहुंच कर. इश्क मोहब्बत की है अलामत रोजा आला हजरत का. इश्क मोहब्बत की है अलामत रोजा आला हजरत का. तैबा से रखता है निस्बत कुब्बा आला हजरत का. मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का. मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का. हक समझाया हक फरमाया मेरे आला हजरत ने. हक समझाया हक फरमाया मेरे आला हजरत ने. नूरे हिदायत का है जामिन रस्ता आला हजरत का. फाइनली गाइस हम लोग डेवो अड्डे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 का. तो बस यहाँ से 1 बजे निकल जाएगी, तो हमें थोड़ा जल्दी है. तो फिर हम चलेंगे किसी फैसल मोर के अड्डे पे, वहाँ से शायद हमें कोई बस वगैरह मिल जाए. फैसल मोर का अड्डा यहाँ से करीब है, तो वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ पे जाकर मुलाकात होती है. बस्ती बस्ती उनकी बातें, वादी वादी उनका नाम. बस्ती बस्ती उनकी बातें, वादी वादी उनका नाम. सारी दुनिया में होता है चर्चा आला हजरत का. सारी दुनिया में होता है चर्चा आला हजरत का. प्यारे आका से है इनकी सच्ची मोहब्बत का ये असर. प्यारे आका से है इनकी सच्ची मोहब्बत का ये असर. प्यारे आका से है इनकी हमें फैसल मूवर की टिकट वगैरह मिल गई है और इसके बस भी हमें सही टाइम पे मिल गई है. 12:30 बस का टाइम है, तो उम्मीद है कि टाइम पे चल पड़ेगी. तो टिकट वगैरह हमें मिल गई है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसके बाद बस में बैठ के फिर आपसे मुलाकात करेंगे. और ये जो ठोकर पे लाहौर ठोकर पे फैसल मूवर का जो अड्डा है वो भी काफ़ी पसंद आया मुझे. तो मिलते हैं इंशाल्लाह बस में बैठ. मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम इश्क मोहब्बत. इश्क मोहब्बत की है अलामत आला हजरत का. मेरे आला हजरत का प्यारे. नहीं जी, फाइनली हमारी बस आ चुकी है और हम बस में बैठने के लिए भी तैयार हैं. तो अभी थोड़ा सा रश है, रश थोड़ा हल्का हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे. और फिर सीट का और बस के अंदर का आपको कुछ ना कुछ व्यू दिखाएंगे. और फिर इस्लामाबाद रास्ते में जाते जाते कुछ आपको व्यू दिखाएंगे. फिर फिजान दीना G11 पहुँच कर फिजान दीना G11 के भी आपको व्यू दिखाएंगे. कौनैन हमें क्यों ना मिलकर गाते रहें हम नगमा आला हजरत का. क्यों ना मिलकर गाते रहें हम नगमा आला हजरत का. इश्क मोहब्बत की है अलामत आला हजरत का. मेरे लिए के शरत मेरे प्यारे आला हजरत का. मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का. जी गाइस, हमारा लाहौर से सफ़र शुरू हो चुका है और अभी हम लोग लाहौर से तकरीबन बाहर निकल चुके हैं और मोटरवे पर चढ़ चुके हैं. तो अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया है. सफ़र की दुआ वगैरह पढ़ ली है, तो आपको भी चाहिए कि जब भी आप कोई भी सफ़र करें तो सफ़र की दुआ याद होनी चाहिए. अगर याद नहीं है तो मोबाइल वगैरह में सेव कर लें, तो इनसे सफ़र में आने वाली काफ़ी सारी जो मुश्किल होती हैं, वो जो परेशानी होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, अल्लाह के करम से कम हो जाती हैं. तो कोशिश किया करें कि सफ़र पर जब भी जाएं तो
सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, तो अगर रास्ते में कोई इस तरह का खूबसूरत सीन आएंगे वो तो इस्लामाबाद के करीब जा कहेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जी लामन फैलाने देना पहुँच गए। इश्को मोहब्बत आला हजरत, इश्को मोहब्बत आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। कैसा ये मकबूल हुआ है नारा आला हजरत का, कैसा ये मकबूल हुआ है नारा आला हजरत का, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत आला हजरत। तो अभी हम लोग तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, और अभी हम लोग बीरा या बीरा नामी ऐसी कोई जगह इन्होंने बताई थी वहाँ पे पहुँचे हैं, और आई थिंक इस्लामाबाद की शायद करीब ही पहुँच चुके हैं। सब तरफ हरियाली हरियाली है और बहुत प्यारा यानी प्यारी जगह है। तो रास्ते में भूख भी लगी थी और वाशरूम में जाने की हाजत भी हो रही थी, तो यहाँ पर वाशरूम में भी हुए और अभी कुछ खाने को लेंगे। और 15 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है, तो थोड़ा सा चहल कदमी भी हो जाती है। ट्रेन में तो फिर बंदा चल फिर लेता है, लेकिन बस के अंदर आपको पता है फिर बंदा जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा रहता है। तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेंगे, खाने के बाद फिर हम लोग आगे हमारा सफ़र शुरू होगा। तो आइए चलते हैं कंटीन की तरफ और कुछ कुरकुरे और इस तरह की कुछ चीज़ लेते हैं खाने के लिए। ऊंचा आला हजरत ने परचम इश्क रिसालत रखा, ऊंचा आला हजरत ने रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का, रब ने ऊंचा कर रखा है झंडा आला हजरत का, इश्क मोहब्बत की है अलामत आला हजरत का, मेरे लिए हजरत मेरे प्यारे उनके शहजादों की बहारें देख के दुनिया दंग हुई, उनके शहजादों की बहारें देख के दुनिया दंग हुई, देखो देखो कैसा जमा है सिक्का आला हजरत का, देखो देखो कैसा जमा है सिक्का आला हजरत का, इश्क मोहब्बत की है अलामत रोजा आला हजरत का, मसले आला हजरत का, मरहबा आला हजरत का, मसले हजरत का, यूं ही तेरा नाम नहीं है, यूं ही तेरा नाम नहीं है अहले मोहब्बत के लब पर, यूं ही तेरा नाम नहीं है अहले मोहब्बत के लब पर, तू है मुशाहिद रज़वी बेशक। सो फाइनली गाइस हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और हमारा जो आज का टूर है और जिसे बोलने भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फैसल मूवर्स में, और वो फैसल मूवर में हमारा एक्सपीरियंस कैसे ये भाई बताएंगे, यूं था या यूं था ये वाला बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमें रोड होस्टेस मिली है और ना ही कुछ खाने पीने को मिला है, वरना इतना सफ़र पहले किया है कराची वगैरह का या और काफ़ी यानी बसों में सफ़र किया, तो कम से कम एक बोतल की गिलास तो मिलते ही है, इसमें तो वो भी उन्होंने नहीं दिया। बाकी ये है कि लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो देखने में मज़ा आया। तो मैं भी आप सब से कहूँगा कि इस्लामाबाद का टूर लाजमी करें, नियत ये होनी चाहिए कि इंशाल्लाह इमामबाड़ी सरकार हाज़री देंगे, गुलरा शरीफ हाज़री देंगे, अच्छी अच्छी जगह पे हाज़री देंगे। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप इस्लामाबाद का टूर कीजिएगा। अभी हम लोग ये टर्मिनल पे आए थे, रुके थे, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टर्मिनल पे फैज़ाबाद, फिर वहाँ से आगे फैलाने दिना के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं टर्मिनल पे पहुँच के। आला हजरत का लबों पे नाम है, अहले सुन्नत का तुझको सलाम है, रज़ा
کر سنت رضا رضا مخزن عظمت رضا رضا حامی سنت رضا رضا ماحی بدعت رضا رضا ہاں چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیش فیض آباد ٹرمینل پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پھر ہم رکشہ پکڑیں گے باہر جا کے پھر رکشہ پکڑ کے سیدھا جی الیون فضان دینا پہنچیں گے تو دیکھتے ہیں بائکیاں ملتا ہے یا رکشہ ملتا ہے یا کیا ملتا ہے تو پھر راستے میں آؤ گے اسلام آباد کے کچھ نہ کچھ ویو دکھاتے ہوئے پہنچتے ہیں وہاں پہ پیشوا یہ مدت کا اربان پورا ہوا یہ مدت کا اربان پورا ہوا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے تو فائنلی گائز ہم فضان الدین جی الیون پہنچ چکے ہیں ابھی ہم نے ہونا انٹر اب انٹر کا پتہ نہیں کیا حالات ہے تو اپنا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ